आज, आज खास अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है मेरा नाम हर्षा लिख है सी ई इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक डायलॉग और पिछले पंद्रह वर्षों तो से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और इसमें पॉलिसी स्पेशलिस्ट इत्यादि हैं और इसमें टेक्नोलॉजी वाले शिक्षाविद इत्यादि हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो समस्याएं हैं जो इस इस देश में इस पूरी दुनिया में जो उनको कैसे समाधान पाया जा सके Policy and action programmes on every continent. We knew early on that effective and sustainable strategies to prevent these threats must be rooted within local communities. Cities are in so many ways. So along with जो city यहाँ पर जुड़े हुए हैं. The first endeavor to mount a truly international city led response to polarization and extremism. Our network has now grown to nearly 150 governments a Our teams have delivered training and capacity building to nearly. <about, laughs> उज लगभग हंड्रेड लोग पैंतीस सौ के आस जो एस ऑनलाइन हब के माध्यम से करते हैं और खास करके We जो जो लोग हैं society, जो समुदाय है उसमें उसमें लोगों को सिखाने के लिए शांति के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करते हैं और जिसमें जो सोशल सोसाइटी के लोग और शिक्षा विधि और कंपनी इत्यादि के लोग जुड़े हुए हैं। तो जो और के मेयर के द्वारा भी एक प्रकार से हम प्रभावित हुए हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों के साथ संवाद बन सके और यंग सिटी प्रोग्राम बने और खास करके इसमें जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ के आए और जैसे केन्या लेबनानिया मेस्डोनिया इत्यादि में शांति हो तो फिर इसका अर्थ क्या है तो इस, इसका अर्थ यही है कि जो एक चरमपंथी उनको समझा करके एक प्रकार से उनकी विचारधारा को बदला जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने कान जो करुणा और और जो दयालुता उसके उदाहरणों को देखा है उसको शक्ति को देखा है और जो हमारे जो विचारधारा है उसमें भी इसके द्वारा जो विचारधारा में परिवर्तन आता है ये भी मैंने देखा है तो मैंने जो करना और जो उदा जो उदारता है उसके उदाहरणों को देखा है और उसके कार्यों को भी देखा है कि किस प्रकार से करना का अभ्यास के प्रयास करके तो हमारे जैसे कि मेयर लुसल मेयर ग्रेग फिशर वो भी यहाँ पर हैं तो आप जो है आपने इस कार्य को शुरू करने के लिए एक प्रकार से बहुत मेहनत की है तो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के के लोगों को आपने सहयोग किया गाइडेंस दिया है और आपने जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो जहाँ तक कोविड नाइन्टीन को तो देखें इसमें नेतृत्व को बहुत बड़ी चुनौती दी है और इससे जो हमारे जो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है लोग परेशान हुए हैं और लोग ऑफलाइन के माध्यम से सीख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रयास कर रहे जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दुनिया में हर जगह एक मुश्किल का समय रहा है तो आज हम परम पावन जी को अपने समक्ष पा करके बहुत ही प्रसन्न हैं और उनकी समस्त टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमें जो एक जो सिटी नेटवर्क के जो मेयर्स हैं उनके लिए आपने समय दिया है आप सभी के लिए एक उदाहरण के पात्र हैं एक, एक प्रकार से और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और आज जो भी जिस जो भी मेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो यूएस कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट होने के नाते तो जो मेस फिशर हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे होस्ट हैं Hello everybody, thank you, Sasha, and everybody so, the Sasha and all for Sasha or to range, which is going to be an extreme jar informative the US State Department, Lama Citin, and the US oh. Conference of Mayors Center for Compassionate and Equitable Cities. It is my honor to introduce the preeminent global leader and champion for compassion and kindness. तो मेरा ये सम्मान की बात है कि मैं विश्व के शांति दूत और करुणा को देने वाले पर्यावरण पे पर काम करने वाले और इकोनॉमी पे काम करने वाले पावन जी के एक प्रकार ऐसी परिचय करने का मुझे स्वभाव प्राप्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद तो परम पावन जी ने इस दुनिया में हमें एक प्रकार से गाइडनेंस गाइडेंस दिया है एक मार्गदर्शन दिया है As stemming from ignorance of interdependence. और यही कहा है कि जो भी चीजें हैं वो प्रतिसमदपन हैं और हमारी अज्ञानता की वजह से हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चाहे पर्यावरण पे अगर कोई परिवर्तन आता है कुछ बदलाव आता है तो हमारे ऊपर भी उसका बहुत बड़ा एक प्रकार से छाप पड़ती है ऐसा फ्रॉम बावन जी हमेशा कहते हैं तो जब मैं मेयर बना और फिर फिर उसके बाद परम पावन जी से बहुत ही प्रभावित हुआ कि आपने करुणा के बारे में मुझसे कहा कि करुणा किस प्रकार सी है परम हमेशा जो साठ अरब के, आसपा, के आसपास साठ लाख के आसपास तिब्बती लोग हैं उनको हमेशा यही संदेश देते हैं तो आज हर एक कोई परम पावन जी की बात करता है और परम पावन जी भी जो जो मेयर्स हैं उनकी भी अनुशंसा करते हैं और जो 2018, दो हजार सोलह में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आप आधारित थे और टॉम टेट को 2018 में आपने बताया बताया था कि मैं पूरे विश्व में जा सकता हूं जितना चाहूं उतना जा सकता हूं तो आप जो मेयर्स हैं वो मेरे हाथ बने मेरे अंग बने जिससे लोगों का भला हो सके जो करो का संदेश दे सके And तो आज परम पावन जी के सुनकर के और लोगों से ये एक प्रकार सुनकर का हमें गर्व की बात होगी तो परम पावन जी एक कृषक पे परिवार में पैदा हुए उन्नीस सौ तो उनसठ में पैदा हुए और वे में दलाई लामा के अवतार के रूप में 6 जुलाई उन्नीस तो सौ को जाने गए और पिछले लगभग सात दशकों से तिब्बती लोगों के लिए और विश्व के शांति के लिए आप कार्य कर रहे हैं और पावन जी ने उन्नीस सौ उनहत्तर में नवासी में भी उन्होंने विश्व का नोबेल जो शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2011 में उन्होंने जो राजनीतिक दायित्व तो उसका उसको छोड़ा तो आज मुझे एक प्रकार से जो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं बहुत से उत्साहित हूँ बहुत खुश हूँ तो परम पावन जी आपका मैं स्वागत करता हूँ आई एम इन डीट वेरी हैप्पी हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी तो वास्तव में मुझे आज जो अवसर प्राप्त है उस अवसर को आकर के मैं बहुत ही खुश हूं, भले ही ये टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, फिर भी मैं बहुत ही सभा के साल्लिह हूं, खुश हूं। नमो सोरो। आई पीपल का मेयर्स, मेयर्स। तो यहाँ पर जो बहुत सारे मेयर्स लोग जुड़े हुए हैं, मेयर्स लोगों की सभा है। Many years, तो जैसा कि आपने कहा कि हम एक दूसरे को पिछले कई वर्षों से जानते हैं एक दूसरे को uh -huh. एक दूसरे से परिचित हैं और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो सात अरब के आसपास लोग हैं उनकी एकता होनी चाहिए उनको एक धागे के रूप में चाहिए सेम ह्यूमन बीइंग क्योंकि हम सभी लोग समान व्यक्ति हैं so समान मनुष्य इमोशन हम लोग की समान भावनाएं हैं एक जैसा चित्त है एक जैसा मन है सम साइंटिस्ट से दे सोशल एनिमल और वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और जो भी सामाजिक प्राणी होगा उसके एक प्रकार से स्वभाव से, से उसकी प्रकृति दूसरों के हित करने के लिए होगी अपने समुदाय का हित करने के लिए हमेशा उसका विचार रहता है जैसे कि आप जानवरों को भी देखें कि वो हमेशा एक दूसरे के सहयोग के लिए रहते हैं, हालांकि उनका अपना अपना जीवन है अपने अपने अस्तित्व है तो जो भी उनका अस्तित्व है जो समुदाय है वो भी अपने संघ पर जानवरों का जो भी एक प्रकार से समूह देखा जाए झुंड देखा जाए उस पर निर्भर रहते हैं of, so और हम मनुष्यों की एक आदत होती है दूसरों का हित करने की आदत होती है अपने समुदाय का हित करने की एक आदत होती है क्योंकि ये आपका अपना आपको अपने जीवन को अपने जीवन को, निर, अपने जीवन को so, निर्वाहन करने yeah, के लिए ऐसे करने की yeah, आवश्यकता रहती है तो आज के विश्व में हम देखें प्रॉब्लम और जब भी मैं देखता हूँ कि इस विश्व में बहुत सारी समस्याएं है, हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो हमारे द्वारा स्वयं निर्मित है हमने खुद बनाई हैं you see too much emphasis the also the because of the का इंडिविजुअल और हम लोग ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं कि वह स्वार्थी होकर के सोचते हैं family, तो अपने परिवार मेरा जो परिवार nation, है मेरा देश religion, मेरा धर्म मेरी so जाति इत्यादि के बारे में oh. हम सोचते रहते हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम विच आवर ओन Creation. और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो हमारे द्वारा स्वयं निर्मित होती हैं ये हमें जानना चाहिए और, चाहिए। और हमें ये क्षमता भी है कि जो भी समस्याएं हैं इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो हमने बनाई हैं और इनसे हम निजात पा सकते हैं इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं नीड वननेस तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को जो समस्त प्राणी हैं जो खास करके समस्या जो मनुष्य लोग हैं उनके एकता के बारे में सोचना है चाहे वो अलग राष्ट्र के हों अलग धर्म के हों कहीं के भी हों तो जाति धर्म इत्यादि ये द्वितीय स्तर का भेद है सबसे पहली बात हम मनुष्य हैं और हम सभी के पास पाँच इंद्रिय हैं और ये, ये जहाँ तक जानवरों में भी देखें तो उनमें भी ये पाँच इंद्रियाँ होती हैं लेकिन हम मनुष्यों की खासियत ये है कि हमारे पास एक चित्त है एक प्रकार से बुद्धि है जितनी कि दूसरे जानवरों में नहीं होती है हम देख सकते हैं समझ सकते हैं परीक्षण कर सकते हैं फ्यूचर और हम भविष्य के बारे में भी सोच सकते हैं तो इस इन सब बातों को लेकर के मनुष्य को एक 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 प्रकार से देखा जाए खास प्राणी के रूप में देखा गया है क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम और इसके साथ साथ जो हमारी जो प्रज्ञा है जो ज्ञान है उसके वजह से हम लोग समस्या भी बनाते हैं तो अन्य जानवरों को देखो जो हजारों वर्षों से रह रहे हैं आराम से रह रहे हैं, कोई इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं करते लेकिन हम मनुष्य लोग so अक्सर समस्याओं uh, को एक प्रकार से पैदा कर देते हैं world, earlier, economy, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी पर्यावरण की बात हो अर्थव्यवस्था so की बात हो या अन्य अन्य जो भी चीजें हैं Uh, तो हम लोगों को इस पृथ्वी पर जो हम लोग रह रहे हैं तो उनको सुधार करने के लिए कार्य करना चाहिए और इस पूरे समुदाय को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए। तो मेरा धर्म मेरा राष्ट्र मेरा समुदाय इस प्रकार की जो मैं और मेरे की भावना ये चली गई है ये पुरानी बातें हैं इनको हमें त्यागना चाहिए छोड़ना चाहिए रिलीजन group, group, group. तो पहले now, समय में अक्सर यही होता था कि लोग see, अपने अपने क्षेत्रों में रहते थे ये धर्मों के अपने see, अपने, अपने संघ होते economy, थे ग्रुप होते थे तो आज वो group समय नहीं economy. रहा है आज आप Hello. आप अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो गई है पूरे विश्व पर लागू होती है कोई एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है आप दुनिया को देखें Now तो पहले से बहुत really? एक विश्व छोटा हो yeah. गया है एक दूसरे से हम जुड़ गए हैं नॉट रिलेटिव थिंक वी वी तो केवल हम मैं मैं की बात no, करते रहें हम की बात केवल करते रहें इतना इतना पर्याप्त नहीं है हमें world. पूरे समुदाय के विश्व समुदाय के बारे में सोचना है पूरे विश्व के no, बारे, best, बारे में सोचने की आवश्यकता है earlier, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोग समान लोग हैं तो मैं भी जब से मैं शरणार्थी के रूप में बना अर्थात जब से so, मैं शरणार्थी बना तब से तब से मैं यही महसूस करता हूँ कि हम सभी समान हैं। uh, इस भावना को रख कर के जहाँ भी मैं जाता हूँ हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि हम समान हैं हम एक हैं तो अलग अलग धर्म हैं uh, अलग अलग जातियाँ हैं अलग अलग राष्ट्र ये द्वितीय स्तर के भेद होते हैं तो उससे सबसे ऊपर उठ कर के जो सोचना है बे जानना है कि हम समान हैं हम सभी मनुष्य एक हैं हमको एक दूसरे के साथ रहना है तो मैं हमेशा ये भावना रखता हूँ तो इस वजह से मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता हूँ हम सभी समान हैं हम, है, हम सब साथ, साथ हैं Home. तो हम लोगों को ये जो विश्व है एक आ, बड़े परिवार के रूप में बनाने की आवश्यकता है जहाँ तक विभिन्न धर्म है तो वो अपने व्यक्तिगत चीजें होती हैं और सबसे पहली बात जो मानवता आ, है हमें मानवता आ, के बारे में सोचना चाहिए आ, तो आपका जो कार्य है जो आप लोग कर रहे कार्य कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण भी है Emphasis, my तो अब समय my चला गया है कि मेरा धर्म मेरा राष्ट्र इस no, ये सब विचारधारा का समय अब अब no, पुराना है छोड़ना चाहिए और no, ये अतीत का समझना चाहिए uh, अभी हमें ऐसे समय में मानवता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए तो ये कोई विचारधारा की बात नहीं है कि केवल आप सोचें आप अपने आप को देखो मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि मैं भी जो सात अरब के आसपास लोग हैं इस दुनिया के जो लोग हैं उनमें से एक हूँ तो ये जब इस प्रकार की बात सोचता हूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ जहाँ भी लोगों से मिलता हूँ जिससे भी मिलता हूँ तो मैं उनको भी अपने सदृश ही पाता हूँ तो कभी कभी लोग परिचय देने के बहुत ही चिंतित होते हैं परच परिचय देना बहुत ज़्यादा अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं <laughs> हाथ हाथ मिलाने से पहले अपना परिचय देते हैं फिर जाकर के हाथ मिलाते हैं तो मैं इसको एक तरह से मूर्खता वाली बातें कहता हूँ क्योंकि हमारे जो दो आंखें हैं एक एक नाक हैं, एक नाक है, है, मुख दो हाथ हैं, तो हम सभी मनुष्य हैं, तो हम एक दूसरे पे मुस्कुरा तो सकते तो हैं एक दूसरे से स्नेह तो दिखा सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नाम या परिचय पर पर बताओ उसके बाद ही आप किसी से व्यवहार रखें। तो मैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों से मिलता हूँ मैं प्रसन्नचित होता हूँ तो जब से मैं भारत में आया और भारत देखो भारत एक बड़ा राष्ट्र है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और जिसमें लगभग एक सौ पैंतीस करोड़ के आसपास लोग हैं और हाँ बिल्कुल मैं एक बौद्ध मैं बौद्ध हूँ बौद्ध भिक्षु हूँ और, और प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि भारत जो है बौद्ध भगवान बुद्ध की भूमि है बुद्ध भूमि है तो और इस भारत भूमि को देखें तो हमारे तिब्बती लोगों के साथ एक आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई है हमारे नज़दीक ही रही है तो मैं, मैं जहाँ तिब्बत और भारत में बहुत अंतर देखूँ तो मैं नहीं देखता हूँ तो जब भी मैं दूसरे देशों में जाता हूँ यूरोप जाता हूँ अफ्रीका जाता हूँ लेटिन अमेरिका इत्यादि देशों में जाता हूँ तब तो जहाँ जो भी लोग मिलता है तो मुझे यही भावना होती है कि हम सभी समान हैं। आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट तो जो एकता की भावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो बहुत सारी जो समस्याएं जिनका हम सामना कर रहे हैं तो ये बातें मेरा धर्म मेरा राष्ट्र मेरा संघ इस प्रकार की विचारधारा से आया है तो आप एक राष्ट्र में ही देखें तो एक राष्ट्र में भी अलग अलग जातियाँ होती हैं अलग अलग परंपराएं होती हैं अलग अलग धर्म होते हैं तो ये तो बातें ये समाज की बातें हैं प्राचीन समय में तो ठीक था कि लोग ऐसे सोचते होंगे क्योंकि उनकी विचारधारा और उनके जो इस, जो स्थिति है एक बहुत ज्यादा फैली नहीं थी लेकिन आज हमारी जो विचारधारा है सोच है वो सार्वभौमिक होनी चाहिए हमें पूरे विश्व के लोगों के लिए सोचना चाहिए और जो वास्तविकता है वो भी हमें को सिखाती है तो जैसे कि आप पहले वैश्विक तापन को देख लें ग्लोबल वार्मिंग को देख लें और हम कह सकते हैं कि जो हम की भावना है तो इसमें कोई अंतर नहीं है ये दूसरे देशों को आप अंतर करो उस पर अलग प्रभाव पड़े या फिर दूसरे देश के लिए है एक के लिए नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं ये पूरे विश्व के लिए समान रूप से एक प्रकार से समस्या है और दूसरी बार बात जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस वो भी सभी पर समान रूप से प्रभाव डालती है और उसके अलावा जो समस्याएं जिनका जिनका एक प्रकार से हम सामना कर रहे हैं तो वो क्षेत्रों में बटा हुआ है एक प्रकार से एरिया वाइज बटा हुआ है राष्ट्र में बटा हुआ है समुदाय में बंटा हुआ है ऐसे बंटवारे को छोड़ करके हमें सभी लोगों के बारे में जो जितने भी लोग हैं उनको एकता के रूप में देखने की जरूरत है और जहाँ तक जैसा कि मैंने पूर्व में पर्यावरण के बारे में भी बताया तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो एकता की भावना है उस पर हमें जोर देना चाहिए तो तो एक प्रकार से जो मेरी विचारधारा एक प्रकार से मेरी एक प्रतिबद्धता है वो यही है कि हमारे जो जितने भी मनुष्य हैं, वो एकता के रूप में रहें साथ साथ रहें। और वो एक प्रकार से सद्भाव के रूप में रहें एक दूसरे से संबंध बनाएं, और जब भी दूसरे संबंध बने तो हमें एक एक प्रकार से सच्चे होना चाहिए विश्वास होना चाहिए और बिना किसी एक प्रकार, एक प्रकार से विश्वास के हम कुछ कर नहीं सकते हैं चाहे आपको चाहे आप पैसा ले चाहे आपके पास पैसा हो शिक्षा हो कुछ भी हो अगर आपके विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जो एक दूसरे का विश्वास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विश्वास जीतना चाहिए और अच्छे व्यक्त बनने का एक दूसरा तरीका यही है कि अगर हम आप एक दूसरे पर विश्वास कर सकें अगर विश्वास एक दूसरे पर करेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे मैं हमेशा इन चीज़ों का पालन करता हूं जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही लाभदायक है और मैं दूसरों को इन बातों को कहता भी हूं कि अगर आप ऐसे अभ्यास करोगे तो मैं मैं की जो भावना है तो वो कम होती है क्योंकि अगर मैं की भावना करोगे एक तो एक व्यक्ति विशेष की बात होती है आप इसके अलावा देखो इसके विपरीत देखो अपने आप के अलावा दूसरों के बारे में अगर सोचेंगे हम के बारे में सोचेंगे हम मनुष्यता के बारे में सोचेंगे तो एक से कहीं ज़्यादा होते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूं और ऐसा मुझे लगता भी है कि जो हमारी शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडर्न एजुकेशन और जो आधुनिक शिक्षा वो ज़्यादातर पाश्चात्य देशों के द्वारा दी गई है और इसमें जो हमारे भौतिक विकास है उसके बारे में बात करते हैं और जो पाश्चात्य की शिक्षा उसमें हमारी आंतरिक दुनिया है उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत की जो पिछले हजारों वर्षों की प्राचीन जो जो विद्या है और जो जिसमें कि खास करके जो हमारे आंतरिक दुनिया है उसमें जागने की बात की गई है हजारों वर्षों का उसमें एक शोध है कार्य है तो हमको इनके बारे में आंतरिक दुनिया के बारे में और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन जो 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 सभ्यता है जो करुणा अहिंसा ये जो व्यवस्था है आंतरिक दुनिया के ज्ञान है एक गुण है स तो विश्व को आज जो करुणा और अहिंसा की आवश्यकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व को इनका अभ्यास करने की जरूरत है तो आज आप देखें पूरब देखें या पश्चिम देश में जहाँ भी जाएं तो इसके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक दूसरे से संबंधित हैं तो हम लोगों को आप ये समय आ गया है कि जो 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 पूर्वी देशों के जो अहिंसा की और करुणा के जो विचारधारा थी तो उसको और फैलाने की आवश्यकता है आप देखें कि जो पिछली शताब्दी में बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने भी जो देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का सिद्धांत अपनाया और इस पर स्वतंत्रता के रास्ते पर चले और इसके जो आप अन्य देशों को भी देखें जो साउथ अफ्रीका को देखें फॉलो और उन उन लोगों ने भी जो भारत की जो अहिंसा का विचारधारा जो थी महात्मा गांधी की जो विचारधारा रही उसका उन्होंने अनुसरण किया उसी प्रकार से जो हम लोग इक्कीसवीं शताब्दी में भी इसके बारे में आंतरिक दुनिया उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है आंतरिक जो हमारे गुण हैं उनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और हमारी जो शिक्षा है उसमें बदलाव की आवश्यकता है जो हमारी जो आधुनिक शिक्षा उसमें आंतरिक दुनिया हमारी भावना और इन भावनाओं को हमारी जो क्लेशों को किस प्रकार से देखना चाहिए कैसे समझना चाहिए इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं तो अब समय है कि इसके बारे में भी चिंतन करें ज़्यादा से ज़्यादा समझें टेक्स्ट तो हालांकि ये जो बातें हैं हो सकती हैं करुणा मैत्री इत्यादि की जो बहुत जो धर्म ग्रंथों से आई हुई लेकिन इनको एक धर्म ग्रंथों के रूप में न मान करके आप एकेडमिक क्षेत्र में मानना चाहिए क्योंकि जहाँ तक आपके आध्यात्मिकता की बात है जो धर्म की बात है वो आपके व्यक्ति विशेष की बातें हैं तो इनको इनको किसी जो सब के लिए नहीं है जिसकी इच्छा है वो उसको धार करें लेकिन जो दयालुता है करुणा है सत्यता है ये सभी के लिए है ये समाज से जुड़ी हुई बातें हैं ये संपूर्ण मानवता से जुड़ी हुई है सब सब, सब संपूर्ण मानवता के लिए फिजिकल तो ज़्यादातर हाँ मैं मानता हूँ कि जो इमोशन जो शरीर के रख रखाव के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता उसी प्रकार से अपने मन को सुदृढ़ रखने के लिए भी हमें एक प्रकार से जो कि अच्छी चीज़ों की जरूरत है तो एक बार मेरे मित्र भारतीय मित्र जो साइंटिस्ट थे राजा रमनन तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में मुझसे एक बार जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जो क्वांटम फिजिक्स आज जो पाश्चात्य देशों में यूरोप में एक प्रकार से नई है लेकिन इस देश भारत में पिछले दो ढाई हजार वर्ष पहलों से पहले से ही विकसित हो चुकी थी तो जो क्वांटम फिजिक्स वो हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है As I briefly, I think, mentioned, uh, जैसा कि मैंने संक्षेप में कहा कि जो हमारी भावनाएं हैं जो हमारे पांच इंद्रियों से जुड़ी हुई होती हैं और तो ये पांच इंद्रियां अलग अलग संदेश लेकर के आती हैं लेकिन वास्तविक जो भावना जो पैदा होती है सुख दुख की हमारे छठे मन से पैदा होती है छठे अर्थात मन से अंदर से पैदा होती है और अक्सर हम चीजों को Now, देख रहे हैं जिनको भी देखते हैं वो स्वतंत्र दिखाई पड़ती हैं लेकिन जब इनके बारे में हम गहराई से देखें जब इनके गहराई जाए सत्यता के रूप में जाएं तब पता लगेगा कि जो भी भौतिक चीजें हैं वो अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं है जब इनका हम परीक्षण करेंगे तब पाएंगे कि हर चीज हमारे जो मानसिक जो हमारी मानसिक विचारधारा है उसके आधार पर ये परिलिक्षित होती हैं so तो मेरे लिए जो क्वांटम फिजिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जो भी जिसके वजह से क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो नकारात्मक विचार आते हैं वो दिखावे की वजह से किसी चीज़ से जो हमारी तृष्णा पैदा होती है वो जब किसी से तृष्णा है तो गुस्सा आती है किसी के प्रति जो मोह होता है तो फिर उससे लगाव हो जाता है इत्यादि तो भारत की जो विचारधारा है जो जो मन की विचारधारा है तो इसके आधार पर कहा जाता है कि ये केवल बाहरी रूप से नहीं जुड़े होने चाहिए आंतरिक रूप से होना चाहिए कोई भी चीज़ एक, एक जो देख रहे हैं वैसी नहीं होती है तो हालांकि ये विचार जो धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं लेकिन इनको हमें एक धर्म निरपेक्ष के रूप में सीखना चाहिए लेना चाहिए Uh, should include education about our inner world, about तो जो हमारी शिक्षा है उसमें आंतरिक दुनिया को जोड़ना चाहिए हमारी भावनाओं को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। so, you, your organization तो आपका जो संघ है, can, can can, uh, है वो शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकता है particularly about our, दो जो हमारी आंतरिक दुनिया है उसको उसके क्षेत्र में का, का, कार्य कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे नकारात्मक विचार हैं उनको कैसे कम कर सकें और जो सकारात्मक विचार हैं उनको कैसे बढ़ाएं तो इसलिए मेरे मित्र आप लोग जो आप लोग को विचार करना चाहिए इन, और आपको एक गंभीर रूप से विचार करना चाहिए वैश्विक रूप से विचार करना चाहिए कि शिक्षा में कि किस प्रकार से जो 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 हमारे भावनाएं हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पढ़े और हमारे इन विचारों को भावनाओं को कैसे हम समझ सकें ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ विद ऑटोमेटिकली कम तो जब आप मैंने जैसे करोना की बात की इत्यादि के बारे में बात की community. तो इससे एक प्रकार से एक आपकी विश्वास so बढ़ता है विश्वास बढ़ने से लोग आपके साथ आते हैं so तो अब समय जो है प्रश्न उत्तर का है तो परम पवन जी आप तो काफी अच्छे दिख रहे हैं तरुताजा दिख रहे हैं आप जो विश्व के मेयर हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं तो अब जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से महापौर हैं जो मेयर हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन तो मैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तो टॉम so, to थे आपके यहाँ भी गए थे आपके साथ बात भी की थी तो इसलिए उनका पुनः मैं धन्यवाद so, देना have, चाहता हूँ uh, तो परम पावन जी आज uh, दस, uh, दस, दस, दस दस प्रश्न हैं जो तो विश्व तो के अलग अलग देशों के जो मेयर से महापौर उनकी तरफ से क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन मेयर एरिक लॉस एंजलिस यूएसए से हैं Well, so much, uh, Fisher, तो फिशर आपका बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद तो आपको नमस्कार और आज आप सर जो मुझे दिया है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो विश्व के जो मेयर हैं with, तो उन्होंने जो है बहुत एक प्रकार से जो समस्याओं का सामना किया है तो मेरा प्रश्न है कि खासकर अमेरिका में मैंने ऐसा पाया कि हमारे देश ने हाल के वर्षों में विभाजित महसूस किया है हम साथ कैसे आ सकते हैं हम लोग अलग थलग पड़े हुए हैं तो हम लोग एक साथ कैसे आ सकते हैं ये मेरा प्रश्न है आई थिंक अमेरिका वन नेशन तो जैसे कि अमेरिका एक राष्ट्र है फ्यू uh, सेंचुरीज uh, तो ये जो अमेरिका राष्ट्र बना है पिछले कई शतकों की लोगों की जो भावनाएं हैं आज भी वहाँ जुड़ी हुई हैं तो विभिन्न विभिन्न जो समस्या कुछ होती हैं जैसे कि श्वेत का अंतर और जो अश्वेतों का अंतर इसके भेदभाव ये चीजें हमने भी देखी है और ये ऐसा ही नहीं अमेरिका में भी हो भारत में भी थोड़े थोड़े अंतर देखने को मिलते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर जो शांति की बात करें तो वो है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका जो है जो स्वतंत्र दुनिया का एक अग्रणी राष्ट्र है तो जो कुछ लोग कहते हैं कि पहले अमेरिका ये पहले अमेरिका कहना ये ये गलत बात है ऐसा नहीं कहना चाहिए तो अमेरिका मानता हूँ अमेरिका एक विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है तो आपके जो दूसरों की जिम्मेदारी की होनी चाहिए जैसे अमेरिका का यूरोपियन कंट्री के साथ में अच्छा संबंध होना होना चाहिए हजारों के हजारों लोग ने अपने जीवन को न्यौछावर किया है जैसे कि आप पिछले पहले विश्व युद्ध को देखें द्वितीय विश्व युद्ध में देखें, देखें हजारों लाखों लोगों की जाने गई हैं तो अमेरिका को पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए केवल अपने राष्ट्र के बारे में एकमात्र अपने के बारे में नहीं सोचना चाहिए आई थिंक इमोशनली क्लोज फीलिंग वो भावना के के रूप में जहाँ तक इसे मन और दिल दोनों साथ आने चाहिए they, uh, तो मैं इतनी बुरी हालात हैं ऐसा नहीं है छोटे मोटे अंतर भेदभाव अलगावपन ऐसे होते रहते हैं जस, जैसे कि रंग भेद के जो अंतर है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। कुछ बातें करते हों अपने लोगों के विचारधाराएं होती होंगे लेकिन सभी के अमेरिकन की हों पूरे राष्ट्र की हों ऐसी बात नहीं है अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जो स्पिरिट है जो विचारधारा वो बदल रही है ऐसा मैं नहीं मानता तो आपका धन्यवाद परम पावन जी अगला प्रश्न मेयर मारियाली क्लाइमेको जम्बोगा फिलीपींस की हैं इनकी तरफ से प्रश्न जम्बोंगा, फिलीपींस तो, तो इनका प्रश्न है हम महामारी से क्या सबक सीख सकते ते हैं और कैसे ने 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 इसका सामना ने 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 करना चाहिए तो मैं इसके बारे में भी चिंतित हूँ और आज की जो स्थिति है जो महामारी की कोरोना महामारी की स्थिति है उसके लिए हर रोज में प्रार्थना भी करता हूँ और मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं उन जो विश्व के अलग अलग वैज्ञानिक लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं इसका कैसे सामना करना चाहिए उनकी मैं हमेशा अनुशंसा करता हूँ और इसके अलावा जो नर्स हैं जो डॉक्टर हैं जो लाखों की संख्या में लोग हैं जो इस मेडिकल क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो एक तरफ देखा जाए तो वो अपने सुख सुविधाओं को त्याग रहे हैं अपने जीवन को निछावर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ We have to sort of learn तो हमको जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं उनसे सीख जानना चाहिए और जो नर्सेस हैं जो डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे जानना चाहिए समझना चाहिए कि इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं कैसे दूर जा सकते हैं इनकी वजह से कैसे छुटकारा पा सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है I'm not तो हाँ मैं कोई इसके बारे में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ तो आप डॉक्टर और नर्स इन पर ही और इसके अलावा जो जो मास्क है उसको पहनना चाहिए यही मैं कह सकता हूँ इसके अलावा तो मैं क्या इस पर कहूँ तो अगला प्रश्न जो मेयर एंडी बर्क वर्क की तरफ से है एंडीवर्क चाटूगा यूएसए से तो मैं स्ट्रॉन्ग सिटी नेटवर्क को परम पावन जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ तो मेरा प्रश्न है कि, कि दुनिया को और अधिक शांतपूर्ण और कल की जगह बनाने के लिए स्थानीय नेता आज अपने स्वयं के शहरों या पड़ोस में क्या कर सकते हैं

आप प्रथम विश्व युद्ध को देखें द्वितीय विश्व युद्ध को देखें तो उस समय जब युद्ध लड़े गए थे तो एक दूसरे राष्ट्र के दुखों को लोगों ने नहीं समझा और युद्ध हुए तो मैं जो मैं जो कहता हूं कि फ्रांस और जो जर्मनी जो प्रथम और विश्व प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो आठना और डिकोल और आटना के नेतृत्व में फ्रांस और जो जर्मनी जो थे जो थे जो कट्टर दुश्मन थे और एक बड़े राष्ट्र थे तो उन्होंने एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से एक उदाहरण है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मैं हमेशा इन लोगों की जो जो यूरोपीय यूनियन की एक स्पिरिट है मैं उसकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ मैं उसका एक प्रकार से प्रशंसक तो आप उसके बाद देखें अमेरिका और अफ्रीका इनके मध्य भी कुछ एक यूनियन होना चाहिए एक संधि होने चाहिए जिससे एकता की भावना आ सके। आई थिंक क्योंकि चीजें तो बदलती रहती हैं, हर वक्त परिवर्तन होता रहता है और आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न जो अनुभव विभिन्न विभिन्न चीजें घटित तो होती हैं, और लोगों के लोगों के ज्ञान बढ़े हैं सो, सोचने की क्षमता बड़ी है क्योंकि अलग अलग तरीके अलग अलग अनुभव है अलग अलग रास्ते हैं इस वजह से तो लोग परिवर्तन भी आया है इंटरनेशनलिंग तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन हैं, वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए No longer distance each other. और फिर अगर ऐसा करेंगे तो लोग एक दूसरे से दूर नहीं पाएंगे हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं एक ही परिवार के नागरिक हैं ऐसा समझना चाहिए जो मेयर्स लोग हैं अलग अलग राष्ट्रों से हैं अलग अलग शहरों से हैं तो आप लोगों को समय समय पर बात मिलना चाहिए बातचीत करना चाहिए और अपने आप जो अनुभव हैं, वो एक दूसरे को साझा करना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि जो समय है अभी जो है जो एक दूसरे से दूर रहने का समय नहीं है एक दूसरे के साथ आने के समय है जो सभी जो संपूर्ण मानवता है उसको एक साथ ला के लाने की आवश्यकता है और संभव हो सके तो ज्यादा से ज्यादा संवाद करें ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें तो अच्छा होगा yes? no, next question? Hmm? Now our next question तो अगला प्रश्न काउंसलर सरा हेमिल्टन तो एमोडन एडमोन्टन कनाडा के हैं। तो मैं सिटी काउंसलर हैंडमिंटन से हूँ

i feel the biased view including religion i think today compare previous centuries तो मैं आज देखता हूँ कि पिछले पिछले सदतकों के या उससे पहले भी शताब्दियों की अगर मैं बात करूं और आज के समय की जो तुलना करूं तो उससे कहीं ज्यादा हमारा विकास हुआ है सुधार आया है now regarding और धर्म के आधार पर देखें तो पिछले समय में जो राजा माराजा और जो धार्मिक नेता हुआ करते थे, तो वो ज्यादातर बल का उपयोग करते थे तो उस प्रकार की विचारधारा पूर्ण रूप से बदली है अन्य तो राष्ट्रो के तुलना में देखें जो धार्मिक सद्भावना की जो बात है तो भारत एक then, उसका उधार है विश्व के सभी विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं और मैंने कभी भी भारत में नहीं देखा कि इतनी बड़ी समस्याएं हों और ख़ास करके जो सिया और सुन्नी समुदाय है उसके बीच में झगड़े हों बड़ी बड़ी समस्याएं हों ऐसा मैंने बहुत मतलब एक कभी नहीं सुना है मुस्लिम कंट्रीज और इसके अलावा आप दूसरे मुस्लिम देशों को देखें क्रिश्चियन देशों को देखें हिंदुजम को देखें अल्ले अन्य अन्य धर्मों के जगह को देखें जहाँ पर लोग रहते हैं तो जितना ज़्यादा अभी दूसरे संपर्क रखोगे उतनी समस्याएँ कम होंगी आपको एकांत में रहने की एकांकी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर हमेशा एक दूसरे के हम उंगली उठाएंगे और जितने ज्यादा नजदीक आएंगे जितने ज्यादा हम संपर्क में आएंगे उतने ज्यादा हम कम उंगली उठाएंगे एक दूसरे को समझेंगे uh, overall, way, तो रूप में अगर देखें सार्वभौमिक रूप से अगर आप देखते हैं तो आज का जो विश्व है वो पहले से पिछली शताब्दियों से कहीं अच्छा हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ तो पहले लोग ही छोटे छोटे स्थानों पर रहते थे अर्थात एकांक एक थे एक दूसरे से जो जुड़ाव नहीं था तो इस वजह से लोग एक दूसरे को नहीं समझते थे तो मैं एक आशावादी हूँ और मैं मानता हूँ कि वस्तुएँ या चीज़ें बदलती रहती हैं परिवर्तन आता रहता है लेकिन फिर भी हमें और प्रयास करना चाहिए हमें निरंतरता के साथ प्रयास करने चाहिए और जो धार्मिक नेता हैं उनको लगातार मिलते रहना चाहिए आध्यात्मिक लोगों को मिलना चाहिए जो विद्वान लोग हैं वैज्ञानिक लोग हैं इनको भी समय समय पर मिलना चाहिए जैसे कि आज मेयर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी मिलना चाहिए और हम लोग निरंतर एक प्रयास कर सकते हैं so, और जो मूल जो व्यवस्था है पुरानी शताब्दियों की तुलना तो में देखें तो उसमें परिवर्तन आया है ऐसा मैं मानता हूँ अगला प्रश्न मायार बिसार गांगू गान्यो yeah. जो कि स्कोपे नॉर्थ मैसेडोनिया से हैं <laughs> तो परम पावन दलाई लामा जी, हमारे साथियों मेयर्स और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को नमस्कार तो मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके समक्ष हूँ और मुझे जो अवसर दिया गया है परम पावन जी से दलाई लामा जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया उसके मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तो मेरा प्रश्न है कि हम स्थानीय सरकार के रूप में कोविड 19 के विघटन से कैसे निपट सकते हैं अर्थात ऐसी स्थिति में हम कैसे सामना कर सकते हैं ऐसा हीसपीरियंस्ड ओथेंटिक तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि अनुभवी अच्छे हमें विद्वानों की आवश्यकता है ऐसे लोगों की जरूरत है लोगों को मिलने की आवश्यकता है और जो सत्यता है उसके बारे में बात कर सकें सो कैन रिड्यूस So much less, also they, uh, kare. Oh, और जो भी जो अफवाह एहतियात फैलाते हों so तो उनसे हमें बचना चाहिए water, क्योंकि आज के समय में विश्व को देखा जाए तो विश्व छोटा हो रहा है हम लोग मिल सकते हैं distance, और उनके और साथ साथ इस समस्या पर बात करने research, चाहिए और जब ऐसी समस्या है उस समय डॉक्टर लोगों को बुलाना चाहिए नर्स लोगों को बुलाना चाहिए क्योंकि हम लोग एक मानव समाज के लोग हैं, मानव समुदाय में रहते हैं तो इसलिए हमारा जो दायित्व तो बनता है एक दूसरों के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बात करने के सामूहिक रूप से बात करने की जरूरत है ऐसा मैं मानता हूँ तब जा कर के से इस समस्या से निपट सकते हैं तो, तो धन्यवाद परम पावन जी तो अगला प्रश्न मेयर नैन्सी कैलगरी कनाडा की हैं, कनाडा तो, तो परम पावन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। तो हम लोग जो

के लोग तो इसमें लोगों के साथ साथ लोगों के साथ गुस्सा क्रोध इत्यादि को भी देखा है ऐसे समय में जहाँ विभाजन और घृणा की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं हम कैसे जो लोग नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं नागरिकों को मानवता के सामान्य कारणों में एक साथ ला सकते हैं संक्षेप में कहूँ तो हम लोगों को बेहतर तरीके से जीने में कैसे मदद कर सकते हैं अगर आप बड़े रूप में देखेंगे अगर आप एक बड़ी खुली सोच रखेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा होती है आई थिंक मच तो जो एकता की बात है वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हुई है आई थिंक ग्लोबल लेवल और वैश्विक स्तर पर भी आप देखें गवर्नमेंट फॉर चाइना चाइना उदाहरण के रूप में जो जो the Chinese, the जो जो चीनी चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला राष्ट्र है country. और कम्युनिस्ट विचारधारा uh, का देश है but, uh, but other, uh, लेकिन उसके जो uh, like जो संबंध हैं दूसरों के साथ India, बड़े हैं improving. चीजें बढ़ रही हैं अच्छी हो रही इन मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में भी देखें आप जो पहले की तुलना में अब उनमें सुधार हो रहा है सो आई क्वाइट मैं इन चीजों को लेकर के बहुत ही आशावादी हूँ क्योंकि जो चीजें हैं उनमें लगातार परिवर्तन आ रहा है बदलाव आ रहा है फिर भी हमें लगातार एक प्रकार से प्रयास करने की जरूरत है प्रयास करते रहना चाहिए और जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना चाहिए बेसिकली आई फील यू से थ्रू एजुकेशन थ्रू पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और मैं मानता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे एक से संपर्क में आने से और इकोनॉमी के माध्यम से विश्व के लोग काफी नज़दीक का आए हैं पहले से ज्यादा नजदीक आए ऐसा मैं मानता हूँ न्यू प्रेसिडेंट तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति राष्ट्रपति उनका जो संबंध है जो चीन के साथ संबंध है तो शायद उनका जो जो संबंध है वो बड़ा है अच्छा हुआ ऐसा मैं मानता हूँ तो जहाँ तक सैन्य शक्ति का उपयोग करना वो पुरानी पुरानी बात है उसको छोड़ना चाहिए हमको साथ साथ रहना है एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने की आवश्यकता है तो हमारी जो विचारधारा वो सही होनी चाहिए सच्ची होनी चाहिए और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें एक विश्व के रूप में होना चाहिए समझना चाहिए क्योंकि जो जो जिनको हम शत्रु मानते हैं वो आप पूरे पूरी रूप से हटा नहीं सकते हो चाहे आप पसंद करें चाहे ना करें लेकिन फिर भी इस देश में रहते हैं इस दुनिया में रहेंगे तो अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें तो ऐसा तो अगर आप हमेशा क्रोधित रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे कोई लाभ नहीं होगा और कैलेगरी में जहाँ तिब्बती लोगों को पचास वर्ष हो चुके हैं Canada, तो कनाडा जो है जो भारत के बाद पहला राष्ट्र था जो कि तिब्बती लोगों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया और खासकर टोरंटो में और बहुत सारे जो तिब्बती लोग वहाँ रह रहे हैं और वो खुश हैं फ्रेंड्स वेरी हार्मोनी वेरी गुड और बहुत ही अच्छी तरह से सुखी सुखी से रहते हैं लोकल पीपल तो जहाँ भी तिब्बती लोग रहते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग उनकी प्रशंसा कहते हैं उन तिब्बती लोगों की प्रशंसा करते हैं कहते हैं कि तिब्बती लोग मेहनती हैं अच्छे लोग हैं प्रीवियस सेंचुरी आई थिंक We more और पुराने समय के परिप्रेक्ष्य में अब देखें तो so लोग में बदलाव आया है sometimes, लोगों में so, एक प्रकार other, से उनकी सोच other, बदली है फ्यू वी गेट तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उस समय हमें लगता है कि ओ ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया ये तो बहुत परेशानी वाली बातें हो गई हैं तो उनको बारे में हमें अच्छी तरह से पहले सोचना चाहिए कि वजह क्या है क्यों हुआ है तब जा कर के आप सही तरीके से उसको समझ सकते हैं तो तिब्बतियों में कुछ लोग तो हो सकते हैं कि जो खराब हों लेकिन ज़्यादातर जो जो तिब्बती हैं वो अच्छे होते हैं तो अगर मान लीजिए कि किसी तिब्बती एक व्यक्ति ने अगर कोई खराब काम किया हो तो एक व्यक्ति तो खराब हो सकता है पूरी कम्युनिटी को आप दाग नहीं दे सकते उसी प्रकार से अन्य कम्युनिटी के बारे में दूसरे समुदाय के बारे में भी ऐसा ही सोच सकते हैं कि पूरा समुदाय समुदाय किसी भी का कभी खराब नहीं होता है तो लोगों में एक दूसरे के साथ रहने की एक दूसरे के साथ चलने की विचार होना चाहिए और ऐसे विचारों पर ऐसे ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो विश्व के अलग अलग देशों के जो मेयर्स लोग हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और वक्त आने पर कभी कभी वार्ता भी करना चाहिए और इन जो अच्छाई वाली बातें उनको भी फैलाने की कोशिश करनी चाहिए थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव आउटलुक एंड योर लाइफ टू तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद तो हम भी आपकी तरह प्रसन्न होना चाहते हैं। इसके बाद तीन और क्वेश्चन कौस्ट बचे हैं अगला प्रश्न कौशल जॉर्डन क्रिस्टियनसन क्रिश्चन नॉर्वे से हैं। तो परम पावन जी आपका बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद आज हमें आपने अवसर दुआ अवसर दिया उसका उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ And how we can fight and poverty, and तो मेरा प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि युद्ध संघर्ष और गरीबी के बीच कोई संबंध है दूसरे शब्दों में यदि हम गरीबी उन्मूलन उन्मूलन के उन्विले में सफल होते हैं तो क्या हम युद्ध के बिना दुनिया को प्राप्त कर पाएंगे आपको लगता है क्या युद्ध और संघर्ष और गरीबी के को बीच कोई संबंध है दूसरे शब्दों में यदि हम गरीबी उन्मूलन में सफल होते हैं तो क्या हम युद्ध के बिना दुनिया को प्राप्त कर पाएंगे आई थिंक दे मिलिट्री टाइम तो मुझे लगता था कि जा तक जहाँ सेना की बात करें इत्यादि के बारे में बात करें तो प्राचीन जो शताब्दियों में तो ठीक था उस समय लोग गरीब राष्ट्र हुआ करते थे लोगों के पास शक्ति नहीं होती थी एक दूसरे जो 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 एक प्रकार से प्रबल या शक्तिशाली राष्ट्र होता था दूसरों को नुकसान पहुंचाता था लेकिन आज के समय में नहीं लगता है कि ऐसी बातें थिंक तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में पुरानी जैसी आ, जो घटनाएं होती थी वैसे हों वन एग्जांपल आई फील व्हेन वो उदाहरण के रूप में नहीं पॉलिटिकल जो वियतनाम का जो युद्ध हुआ वो राजनीतिक कारण की वजह से हुआ वो कोई अर्थव्यवस्था तो के रूप के वजह से नहीं हुआ तो साथ जो पश्चिमी जो वियतनाम को देखें वो अमीर है उत्तरी है कमजोर है कॉज वर्ल्ड पावर्स सो नो तो ये विचारधाराओं की वजह से पॉलिटिकल राजनीति की वजह से युद्ध हुआ था मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आई डोंट थिंक नाउ कसोर है ऑटोमेटिकली रिड्यूस नाउ तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जो सेना की एक झगड़े हैं अपने आप खत्म हो जाएं ऐसे खत्म नहीं होंगे जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश तो कभी कभी इसमें कुछ खबरें सुनने को खबरें सुनने को तो मिलती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बुरे बुरे हालात तो बने हुए ऐसे देखने को तो कम ही मिलते हैं तो विश्व के लोग मानते हैं कि सब हम सभी को एक साथ रहना है एक दूसरे से साथ चलना है और ओवर द पॉवर्टी तो जहाँ तक गरीबी की बात करें दैट्स वी हैव टू वी हैव टू कसौटा रिमूव तो उसको हटाना चाहिए गरीबी को नष्ट करना चाहिए और अमीरी और गरीबी का जो अंतर है उसमें वैश्विक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक जो सामाजिक तो स्तर पर अगर इतना बड़ा अंतर है तो वो ठीक नहीं होता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि अमीरी गरीबी का अंतर कम हो सो नावन ओल्ड World, तो मेरी उम्र अभी कोई छियासी वर्ष के हो गई है इस दौरान मैंने देखा है कि विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं बहुत उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद लोगों में ऐसी भावना आई है जो 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 एक प्रकार से विचार आया कि एक तृतीय विशुद्ध भी हो सकता है इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए गए लेकिन इसके बाद की जो विचारधारा उसमें परिवर्तन आया ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो नेतागढ़ हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो परमाणु बम इत्यादि हैं वो नष्ट किए जाएँ यहाँ तक जो यूनान, जो यूनाइटेड स्टेट या यूएन है उसमें भी उसके जनरल सेक्रेटरी ने भी बात कही कि चीजें खत्म होने चाहिए तो पहले तो लोग बड़ा गर्व महसूस करते थे कि मेरे पास परमाणु हथियार है लेकिन अब लोगों की विचार विचारधारा आई है कि जो परमाणु हथियार हैं, वो नहीं होने चाहिए तो ये एक सकारात्मक सोच है सकारात्मक एक प्रकार से विचारधारा आई है ये बहुत अच्छी बात है तो पूर्व के समय में लोगों, लोग चीजों को या समस्याओं को देखते थे दूर से देखते थे तो समय उनको बहुत बड़ा मानते थे लेकिन आज के समय में हम तुरंत देख सकते हैं पूरे वैश्विक रूप से देख सकते हैं बड़े रूप में देख सकते हैं सो वी बिकम मो मो तो अब पहले से ज़्यादा कहीं हम प्रॉड हो गए ज्यादा अच्छे हो गए हैं एंड लुक क्लोजलेन दैट इज समिंग वेरी बिग बट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम तो, तो, तो किसी समस्या को जब हम एक प्रकार से एक संकुचित विचारधारा के रूप में देखोगे तो वो बड़ी दिखाई देगी हालांकि समस्या तो समस्या ही होती है लेकिन आज जब हम जो एक बड़े रूप में सोच करेंगे अलग अलग विभिन्न दृष्टिकोणों से अगर सोचेंगे तो वो समस्या हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी मच बेटर And then country to country, like that. Okay. Okay. Uh, thank you, Your Holiness. Our next question comes from Mayor Bill Peduto of Pennsylvania. Joe Mayor Bill Peduto, Petersburg, USA. As <laughs> so many of my colleagues stated, तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि जो विश्व है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है विभेद हुए हैं और लोगों ने देखा भी है और कोशिश भी हुई है कि साथ आ सके तो आपकी वजह से बहुत बड़ा बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया आपके जो विचारधारा से लोगों को विचार आया है And we know that that is due to disparities in our economics. तो ये सब बातें जो इकोनॉमिक के रूप में हो कोविड की बजाय हो या फिर हमारे जो पर्यावरण की समस्या हो लेकिन फिर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक साथ आ सकें हम साथ रह सकें तो मैं आपके आपके एक प्रकार से एक एक सुझाव की आकांक्षा करता हूं तो मेरा प्रश्न है polarizing, कि राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण वाली दुनिया में How जब आप धर्म और न्याय के भेष में आपको इस्तेमाल किया जा रहा हो तो आप नफ़रत और गुस्से को कैसे देखते हैं मैंने पूर्व में कहा कि एक हमारी जो सोच बड़ी होने चाहिए so, see, that, तो जब मैं तिब्बत में था तो उस समय देखा कि uh, हम एकांकी so थे और फिर उसके बाद चाइना uh, में भी देखा कि एकांकी राष्ट्र जैसा हुआ करता था तो उसके बाद चाइना की जो अर्थव्यवस्था है तो विश्व के और देशों में उसको फैलाया पर उसके बाद जो और जो चीनी स्टूडेंट्स छात्र लोग और नेता लोग व्यापारी लोग अन्य जगह पर गए तो फिर जाकर आप देखें कि जो एक चरमपंथी की विचारधारा थी वो कम हुई है और जितना ज्यादा आपका संबंध होगा एक दूसरे से दूर दूर तक जुड़ेंगे तो चाना एक इसका उदाहरण है उसने अपनी so, विचारधारा को बदला लोगों से संबंध रखे माइंडेड uh, एंड फूलिश पीपल तो मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो संकुचित विचारधारा के लोग हैं कुछ जो कुछ जो पागल तरह के लोग हैं तो वो तो अपने आप को तो क्रोध करते होंगे आई डोंट थिंक तो कभी कभी लोग अपने आप में क्रोधित होते हैं ऐसे लोग तो तो ऐसे ऐसे, ऐसे लोगों को मैं मूर्ख ही कहूँगा और ऐसा और तो मुझे कुछ नहीं लगता है चाइना वेन रिमेन आइसोलेट एंड देन सम सो तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब चीन एकांकी था अलग 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 थलग जैसा था तो वो उसकी जो सोच बजाज थी अलग थी लेकिन आज के समय में जो जब बाहरी दुनिया को भी देखा तो उसकी विचारधारा में परिवर्तन आया है तो जहाँ तक सूचनाओं की बात करें शिक्षा की बात करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा सत्यता को जान सकते हैं समझ सकते हैं हार्डलाइन hmm. तो अभी भी is जो is चीनी is के जो चरमपंथी लोग हैं रिएक्शनरी no. दलाला तो समय <laughs> अलग मुझे दलाई लामा को एक no. गलत तरीके से पेश करते थे नो लॉन्गर यू तो इस प्रकार की विचारधारा अब कम आती है पहले लोग ज्यादा से ज़्यादा आरोप लगाते थे mm -hmm. मीडिया mm -hmm. में आता रहते थे कि so, एक प्रकार से तो अब कम हुई है

वो हमारी अज्ञानता की वजह से पैदा पड़ी होता है सब बुक्स तो हमने कुछ विज्ञान और सिद्धांत कसा? और, और, तो और मन की विज्ञान इसके बारे में कुछ किताबों का भी हमने संपादन किया है और ये जो किताबें जब चीनी विश्वविद्यालय में पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो तिब्बती बौद्ध धर्म है वो वास्तविक नालंदा की सच्ची परंपरा है तो वो कहते हैं कि जो भी हमारा जो मन जो विचलित होता है वो हमारी अज्ञानता की वजह से होता है और जैसे जैसे चीजें स्पष्ट हो जाती हैं हम चीजों को समझ लेते हैं तो हमारे मन के जो विचलन है वो भी कम हो जाता है so when, China, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं चीन में था तो उस समय they totally sort of negative. So, uh, then after Deng तो एक प्रकार से वो जो way, जो उनकी विचारधारा थी वो नकारात्मक थी फिर उसके बाद so, उनके विचारों में परिवर्तन आए दूसरे को से मिले सीखे तब बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला then, तो विश्व को सच्ची एक जानकारी देनी चाहिए, तो जानकारी चाहिए। और कुछ जो विचारधारा हैं वो हमारे कुछ अच्छे विचार अगर गलत विचारधारा आ रहे हैं तो अच्छे कुछ विचारधाराओं को पैदा करके उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि चीजों में बदलाव होता है एक दूसरे के संपर्क में आने से उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है अंतर आता है तो परम पावन जी अब अंतिम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो इटली से है मेयर लियोन का और लैंडो पले से हैं तो इनका प्रश्न है कि कोविड 19 में महामारी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास के निष्पक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने में सभी लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? Franklin d. Roosevelt said in the famous full freedom speech in 1941. Let's take care of everybody, Holiness, you say. After many centuries of contrast between freedom and equality, in Palermo we try to live fraternity. So, for example, in Palermo, we have not 100,000 migrants. We have no migrant in Palermo. When somebody to me, the mayor, how many migrants are in Palermo? I reply, no one. We are all human beings. Who lives in Palermo is Palermitan, not distinguished. Between who was born, who does live in Palermo. So my opinion, my question. Compassion, fraternity, I think is to say I am a person, we are a community. As an alternative to individual selfishness and groups closed by intolerance and voids. Waiting for once again for your presence in the city of Palermo, in your Palermo, in our Palermo. Thanks, Holiness, wishing harmony to the world. I think now uh, the problem which we humanity facing, uh, for example, to jo yes, जिसका सामना कर रही है जो कि जो महामारी अभी जो है तो कभी कभी हमारी समस्या इकोनॉमी एकौन, की होती है कभी राजनीति की होती है और कभी कभी मैं और वे ऐसी भावना रहती है इस और जहाँ तक धर्मों की बात की जाए धर्मों के बारे में विचार अगर करें Christian, और जो भी ईश्वर को मानते हैं चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी धर्म को मानने वाले हों इस्लाम को मानने वाले थियोस्टिक रिलीजन uh, या फिर जो भी जो ईश्वरवादी परंपरा को मानते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग एक ही ईश्वर से बने हुए हैं और ईश्वर जो है हमारे पिता हैं और हम सभी उसके संतान हैं एक ही जो पिता है उसके संतान ऐसे ईश्वरवादी परंपरा के लोग उनके मानने वाली विचारधारा है तो उनके लिए अच्छी बात है उनके लिए लाभदायक है और भगवान की बात जब अगर हम करें वो अपने विचा, अपने विचार अपने अपने निर्भर करते हैं और और जो लोग कहते हैं कि हम सभी एक पुत्र एक पिता के पुत्र हैं तो उनके लिए अच्छी बात है और इसके अलावा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म और तो हम लोग करुणा पर ज्यादा जोर देते तो, हैं so, religion, see, uh, sort of और कोई भी धर्म एक दूसरे में भेद पैदा करने के लिए नहीं होते हैं और मुख्य रूप से आप रा, राजनीतिक तौर पर देखें अर्थव्यवस्था के रूप में देखें इनमें अंतर होते हैं लेकिन धर्मों के बारे में देखें चाहे आस्थावादी हो ईश्वरवादी हो अनिश्वरवादी हो वो सभी के सभी एकता के बारे में बात करते हैं और हम सभी को करुणा की है। एक दूसरे की मदद करने की कोई भी धार्मिक परंपरा समस्या पैदा करती हो ऐसा मैं मानता हूँ परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें जो समय दिया

तो मेयर इब्राहिम अल कराकी, मेयर बेंग क्लाइमेको और मेयर रोन के द्वारा इसमें बातें कही गई हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग सिटीजन नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत करक की नगर पालिका की भूमिका को कैसे देखते हैं हिंसा और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ सामुदायिक लचीलापन कैसे बढ़ाया जा सकता है अपने आप को न्याय सामाजिक सामंजस्य और हिंसक की रोकथाम की अवधारणाओं में निहित करके हम अतिवाद एवं शहर को हान, हानिकारक प्रथाओं से बचा सकते हैं जो इसे नीचा दिखाने का काम करती हैं आज हम अपने युवाओं को सशक्त बनाने कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो समुदायों को नेतृत्व करते ऊर्जा उत्साह और आशावाद पेश करते हैं उनके पास हैं मेयर बैंक मैं भगवान से प्यार करती हूँ मुझे चम्बो शहर से प्यार है अपने तीसरे कार्यकाल में महापार रूप में कार्य करना मैं भगवान की बहुत ही शुक्रगुजारी हूँ जिसके लिए मेरे पिता की इच्छा थी इस प्रकार मैं हमारे कार्यालय से कहती हूँ कि लोगों पर करुणा करो और करना हीन करना हीन लोग जो सरकार से मदद चाहते हैं उनकी जीवन पर मदद करो हम दया करुणा और प्यार की छाप छोड़ना चाहते हैं लोग उन बड़ी इमारतों को याद नहीं करें जिन्हें हमने बनाया लेकिन वे हमेशा प्यार देखभाल और करुणा को याद रखेंगे जो हम उनकी जरूरत के समय दी है मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मान रखता है मैं बैंकलो में के जो जम्बाओं का शहर से हूँ भगवान के साथ आओ और गले लगाओ तो मेरा मेर है। मेरा नंबर है मैं सेंट मेयर के रूप में काम करता हूँ मैं हमेशा से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का सुनह अवसर खोजता रहता था कि मैं किस तरह से व्यवहार करूं और महापौर बनने के बाद करुणा चार्टर की पोस्ट करने के लिए पहला कदम है आज सैन एंटेग्यो वैश्विक समुदाय के भीतर एक करुणामयी भी शहर है जहाँ नागरिक सरकार धार्मिक और स्वयंसेवी संगठन व्यवसाय सामुदायिक शैक्षणिक संस्थान एक साथ हैं और शहर के जीवन करुणा के महत्व तो मूल्य को पहचानना और ऐसा करके अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए सुरक्षा का जाल तैयार करना है मुझे करुणा के नेतृत्व का उपयोग करते हुए अपने काम पर गर्व है इस चुनौतीपूर्ण समय के लिए हमारे शहर आपको आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी के साथ अखंडता को बढ़ाना देना सभी के लिए हमें साबित करना मेयर बिस जीवन के सबसे पवित्र मिशनों में से उन लोगों की मदद करना जिन्हें कठिन परिस्थितियों चुनौतियों से निपटने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है इस मानवीय सिद्धांत से शुरू करते हुए उन लोगों के सेवक जिन्हें अच्छा बनाने के लिए अपने समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा इस है अवसर पर जहाँ हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा तो प्राप्त कर सकता है एक बहुजातीय नगर पालिका के रूप में हमारा ध्यान सभी नागरिकों के बीच सह अस्तित्व के मूल्यों को संरक्षित करने पर है चाहे वे किसी भी जात धर्म या जात के हों हम अपने समुदाय के साथ खड़े हो गए हैं प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित घटनाओं के निर्मित घटनाओं के समय हम अपने समुदाय के साथ और समर्थन करना जारी रखेंगे भविष्य में जो कुछ भी होता है उसमें एक दूसरे साथ देते हैं अगर हमें चाहे तो अच्छाएँगे दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते हैं हमें विवेक साथ शांत से रहना है Kindness and compassion. We have worked to increase our own cooperation with humanitarian organizations by helping families and groups in need, but have also invited private donors to become part of our humanitarian initiatives. We have stood side by side with our communities through natural disasters and man made incidents. And continue to support each other in whatever the future brings. The doors of goodness can never be closed if we want to live in peace with our conscience. Okay, mayors. तो आप आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का का बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमको मार्ग दिखाया शिक्षा दी। तो आप सभी अच्छे से रहे परम पावन जी ठीक रहे पुनः मिलने की आकांक्षा करता हूँ तो हालांकि जब से हम एक दूसरे को जानते हैं तो आप हमारे जो मुख्य विचारधारा करना है उसको आप लेकर के चल रहे हैं तो इसलिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ तो हमें निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है और जितनी ज्यादा हमारी जो करुणा रूपी भावना आएगी मनुष्यों की एकता के बारे में विचार जितना आएगा तो जो समस्याओं जिनका हम सामना कर रहे हैं वो स्वतः कम हो जाएंगी नष्ट हो जाएंगी फर्स्टली आई वेरी मच अप्रीशिएट ऑल द मेयर्स तो मैं आप सभी मेयर्स का महापौरों का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पर इस, इस बात पर ध्यान दे रहे हैं so, आप अच्छा कर रहे हैं इंडिविजुअल आई मीन चेंज वर्ल्ड इंडिविजुअल तो एक व्यक्ति के द्वारा विश्व में परिवर्तन लाना बहुत कम होता है लेकिन लोगों के समुदाय से और खासकर जो मेयर्स लोग महापौर हैं जिस शहर के हैं अलग अलग शहरों में जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं साथ साथ अगर कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं तो आपका कार्य निरंतर रहना चाहिए मेयर्स मीटिंग और जो मेयर्स की मीटिंग है अलग अलग क्षेत्रों में है अलग अलग देशों में है निरंतरता इसकी रहनी चाहिए so, आपके संवाद जारी रखने चाहिए real, uh, तो निश्चित रूप so, से एक उम्मीद की किरण है उम्मीद है कि हमारे जो प्रयास हैं वो निरंतर होने चाहिए अगर निरंतर रहेंगे तो जो चीजें हैं उसमें परिवर्तन आएगा तो हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में हैं और मैं निश्चित हूँ निश्चिंत हूँ एक अच्छा so, एक अच्छा दुनिया बनेगी एक भी अच्छा विश्व बनेगा तो हमें प्रयास करने right. की कोशिश करनी चाहिए सो वर्ल्ड आई वांट यू वॉन्टी वन हैप्पी वर्ल्ड एंड एवरीवेयर स्माइलिंग स्माइल जेन्यून स्माइल और जब भी आप स्माइल करें तो एक अच्छी स्माइल होने चाहिए या फिर आपकी जो बनावटी मुस्कान नहीं होना चाहिए आपकी सच्ची मुस्कान होना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो विश्व में एक जागरूकता रख सकते हैं और विश्व के जो दो दो क्रोधी चेहरे हैं, उनको हटा सकते हैं जो लोग परेशान हैं, उनको हम उनको सुख दे सकते हैं the, uh, तो आ जो uh, जो भी मेयर्स लोग हैं उनको और ज्यादा प्रयास करते रहना चाहिए निरंतरता प्रयास करना चाहिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद right, हम सभी मेयर्स जो you हैं, खुशी खुशी आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद परम पावन जी